नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से भरी रहें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये मेरे से क्वेरी आई कि मैम, आप स्लीप पैरालिसिस पे एक वीडियो अवश्य बनाएं। तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप और आपके घर वाले या आपके इष्ट मित्र, जिन जो भी इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं, वो इस समस्या के बारे में जान सकें। देखिए, स्लीप पैरालिसिस एक मनोवैज्ञानिक समस्या होती है। ये समस्या आज के टाइम में बहुत लोगों को देखी जा रही है। कहते हैं कि इंडिया में ही केवल 10 लाख पेशेंट हर साल इसके होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में भी बनती जा रही है। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगी अपने आप को देखता है कि व्यक्ति सो रहा है, अचानक से वो अपने गले में घुटन का अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है, या रात में उसे कोई डरावने सपने आते, वो भाग रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। और जब वो अचानक से उसकी नींद खुलती है, उसके बाद भी वो बोलने की अवस्था में नहीं रहता। वो हाथ हिलाना चाहता है, हाथ नहीं हिला पाता। वो चिल्ला के लोगों को बुलाना चाहता है, वो चिल्ला के लोगों को बुला नहीं पाता। आंखें खुली रहती है और वो अपने आप को असहाय पाता है, अपने आप को हिलने डुलने में भी असमर्थ पाता है। तो ऐसी अवस्था को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। और ऐसी अवस्था बहुत बार 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट और कभी कभी कुछ लोगों के साथ बहुत समय तक भी बनी रह जाती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में 1 से 2 मिनट ही ऐसी कंडीशन देखी गई है। खासकर ऐसी अवस्था में व्यक्ति जागने के बाद भी कुछ बोल नहीं पाता, हिल डुल नहीं पाता और अपने आसपास के लोगों को जगाकर बुला नहीं पाता है। तो उसके अंदर एक ऐसा घबराहट हो जाता है, उसे ऐसा फील होता है कि कोई आत्मा या कोई आकृति उसके आसपास ही है, या उसके रूम में ही है, या उसे कोई परछाई दिखाई देती है। जब ऐसा आभास होता है तो इस अवस्था को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। देखिए, इस अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति आकृति से बात करने में असमर्थ होता है, वो कोई क्रिया प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाता है। इसके अलावा स्लीप पैरालिसिस में कितनी बार ये देखा गया है कि व्यक्ति अपने आप को दम घुटने का अनुभव करता है, सांस नहीं ले पाता, वो चिल्लाना चाहता है लेकिन आवाज नहीं आ पाती। कितनी बार ऐसा लगता है कि सांसें आनी बंद हो गई हैं। जो ये अनुभव होते हैं बहुत भयानक होते हैं, बहुत डरावने होते हैं। इवन मैं शायद उसका वर्णन भी शब्दों में नहीं कर सकती, क्योंकि जो व्यक्ति उस पल को गुजारता है वही उसकी इंटेंसिटी को समझ सकता है। देखिए, स्लीप पैरालिसिस एक भ्रम है या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, आज तक कोई भी पूर्ण रूप से नहीं बता पाया। इवन साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कोई भी पूर्ण रूप से इस बात की गारंटी नहीं लेते कि इसी वजह से पर्टिकुलर पर्सन को स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम है। और ये समस्या आज की नहीं है, वरन हजारों साल पहले से ही जितने भी ग्रंथ हमारे पास अवेलेबल हैं, कहीं ना कहीं हमें इस तरह की समस्या के बारे में लोगों से या हमारे पुराने ग्रंथों में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है। यदि शेक्सपियर की बात की जाए तो शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज आपने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, जिसमें वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, भूतों के बारे में बात करते हैं। इवन वो इस तरह के बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी आप उनकी प्लेज में पाएंगे। मतलब ये बात सिद्ध करती है कि ये प्रॉब्लम्स आज की नहीं है, बहुत प्राचीन समय में भी इस तरह के प्रॉब्लम से लोग ग्रसित थे। और पहले इन्हें ज्यादातर भूत प्रेतों से जोड़ा जाता था। और आज भी यदि ग्रामीण भारतीय परिवेश की बात की जाए, जहाँ ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे लोग इसे भूत का आना या प्रेत का व्यक्ति के बॉडी पर अटैक मानते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस इसे ना तो पूर्ण रूप से मानती है, पूर्ण रूप से नकार पाती है कि आखिर इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, आखिर व्यक्ति अचानक से ऐसी कंडीशन में कैसे आ जा सकता है। डॉक्टर्स के अनुसार जो स्लीप पैरालिसिस के कारण होते हैं, वो बताते हैं कि कभी कभी चिंता से, तनाव से, नींद सही समय से ना लेने से, या जीवन शैली में अचानक कोई बड़ा बदलाव होने से, अकेलापन महसूस होने से, मायूसी होने से, तनाव लेने से, डिसऑर्डर की वजह से किसी, या कभी कभी दवाइयों के साइड इफेक्ट से या नशे का ज्यादा सेवन लेने से भी स्लीप पैरालिसिस की समस्या देखी गई है। देखिए, स्लीप पैरालिसिस से बचने के लिए
वैसे तो डॉक्टर्स के पास, मनोवैज्ञानिक पास कोई भी सॉलिड आप रीजंस या सॉलिड आप कह सकते हैं कोई विधि नहीं है जिससे इसका पूर्ण रूप से उपचार किया जा सके। ज्यादातर डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि आप अध्यात्म की ओर जाएं, तो कहीं ना कहीं अध्यात्म हमारी इस ओर जरूर मदद करता है। इसके अलावा डॉक्टर्स का कहना है कि यदि आपको बार बार ऐसा फील हो रहा है कोई आपका गला दबा रहा है या सांस नहीं आ रही है, तो आप अपनी नींद को पूरे रूप से लेना शुरू करें, रिलैक्स होना शुरू करें, नींद के बार बार खुलने का कारण का पता लगाएं, नशे का सेवन ना करें। इसके अलावा सोने से पहले 1 घंटे खुद को आराम दें, निगेटिव सोच से बचें, निगेटिव चीजें ना देखें, ना पढ़ें और ना कोई स्कैरी मूवी या हॉरर मूवीज या ऐसी चीजें देखें। इसके अलावा बहुत बार स्लीप पैरालिसिस के पेशेंट वो देखे गए हैं जो लोग पेट के बल सोते हैं, तो कोशिश करिए पीठ के बल सोएं। वैसे तो स्लीप पैरालिसिस की वजह से कोई चोट नहीं पहुंचती है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है मानसिक दबाव, और जब यह स्थिति बार बार आती है तो व्यक्ति एबनॉर्मल एक्टिविटीज करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने चिकित्सक को जरूर दिखाएं। इसके अलावा जो मैंने अपने अनुभव में, हमारे गुरुजी ने भी ने लोगों के अनुभव में ये देखा है कि स्लीप पैरालिसिस की जो कंडीशंस होती है, और खासकर जिसमें गला दबाने वाली एक्टिविटीज होती है, जिसमें आप सपने भी देख रहे हैं कि कोई आपका गला दबा रहा है, तो ये निश्चित रूप से आपको थोड़ा अपने वर्कआउट पे ध्यान देना चाहिए जीवन में। इसके अलावा स्ट्रेस कम लें। जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है, चाहे वो वर्क की वजह से हो, चाहे घर की समस्याओं की वजह से, वो भी ऐसा फील होता है, और कभी कभी ऐसी समस्या बढ़कर किसी बीमारी का रूप भी ले लेती है। तो सबसे पहले स्ट्रेस कम करें, निगेटिव थिंकिंग को कम करें, ईश्वर से जरूर जरूर जुड़ें, चाहे अपने इष्ट से जुड़ें या जहां पर भी जिस भी देवी देवता से आपका दिल जुड़ता है वहां जरूर जुड़ें, उनकी प्रार्थना करना शुरू करें, और आप अपने कमरे में भी एक दीपक जलाकर सो सकते हैं। प्रार्थना करने के बाद सोएं, पैरों को गर्म पानी से, गुनगुने पानी से धुल लें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें। नमक डालकर अपने पैरों को धुलने के बाद अपने बेड के नीचे आप एक फिटकरी का एक बड़ा टुकड़ा जरूर रखें, और हर 15 दिन में इन्हें बदलें। देखिए, साइंटिफिक रूप से तो मैं इसे प्रूव नहीं कर सकती, लेकिन आध्यात्मिक रूप में मैंने इस चीज़ का उपाय बहुत लोगों को करवाया, और मैंने खुद फील किया है कि जो फिटकरी होती है, आज से नहीं, बहुत सालों से निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए वास्तु में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप इसे अगर हर 15 दिन में बदलते, तो कहते हैं कि फिटकरी में और नमक में निगेटिव एनर्जीज को सोखने की ताकत होती है। कितनी बार हमारा ब्रेन भी निगेटिव एनर्जीज से भरा होता है, तो यदि हम फिटकरी को अपने बेड के नीचे रख के सोते हैं तो हमारे मन में एक संतुष्टि और एक प्रोटेक्शन की फीलिंग भी रहती है कि कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे अपने मन को भी रिलैक्स करना है। तो यदि आप एक नमक का टुकड़ा या फिटकरी का टुकड़ा अपने बेड के नीचे रखना शुरू करें, साथ ही सोने से पहले ओम का गहरा नाद शुरू करें। देखिए, ओम अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान समेटे हुए है। आप समझ सकते हैं कि नासा की रिसेंट स्टडी में भी जो सूर्य की जो आवाज आ रही है, और चूंकि वो पूरे वर्ल्ड में वाइड फेमस है, वो वीडियो कोई भी उसे देख सकता है, जिसमें जो आवाज आ रही है निरंतर ओम की आवाज आ रही है, तो ओमकार से हमारे सेल्स भी डेवलप होते हैं, एक अंदर से प्रोटेक्शन की फीलिंग भी आती है, और निगेटिव एनर्जी से काफी सहायता मिलती है। तो ओमकार का नाद जितना हो सके करने के बाद ही सोएं, पैरों को बिल्कुल सुखा कर सोएं, अपने इष्ट का ध्यान करके सोएं, तो निश्चित रूप से आपको काफी राहत मिलेगी। और यदि मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय के बारे में आप पूछेंगे, तो मैं यही कहूंगी कि हनुमान जी की साधना, हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी के चित्र को अपने आसपास रखें, साथ ही साथ भगवान को चमेली और सिंदूर मिलाकर तिलक करें, और उस तिलक को अपने सिर पे लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद सोएं। निश्चित रूप से मैं विश्वास रखती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई कष्ट है, और अगर वो स्लीप पैरालिसिस जैसी समस्या भी ना हो, या उसे ऐसा लगता हो कि कोई बाहरी शक्ति या कोई निगेटिव फोर्स के द्वारा ऐसी प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से जब आप ईश्वर की शरण में जाते हैं तो आपको साइकोलॉजिकल
और आध्यात्मिक दोनों ही कह सकते हैं कि दोनों ही ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं और आपको एक सपोर्ट मिलता है। मेंटल सपोर्ट जब मिलता है तो आप इस तरह की समस्या से जरूर ही बाहर आ जाते हैं। तो कोशिश करिए आप इन उपायों को अपनाएं और अपने दोस्तों से भी इसे शेयर करें। देखिए, स्लीप पैरालिसिस से किसी की मृत्यु नहीं होती लेकिन अनुभव बहुत भयानक होते हैं। कितने लोग बहुत बार इतने डर जाते हैं कि उन्हें जगने के बाद भी हमेशा हर पल ये एहसास होता है कि उनके पीछे कोई है या उनके साथ कोई चल रहा है। तो आप जरूर इन उपायों को अपनाएं और यदि आप में से कुछ लोगों को भी इसका लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद है वो अवश्य ही सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आप उसके साथ एक नवीन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को लेके। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।